रास्त लिए चलते हैं कश्मीर के यूं से आप पर वाकई वजीर इत्तेलात फवाद चौधरी और फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Warriors of civilization and people of Kashmir today represents the most noble causes of humankind. So it's the responsibility of every human to stand by people of Kashmir. And I again would like to pay homage to those who were martyred in this struggle, those who suffered in this struggle, and I would like to salute each and every Kashmiri for this great struggle. सत्ताईस अक्टूबर 1947 जब भारत ने अपनी अफवाज मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर उतारी और इस जुल्म और जबर को आज 74 साल जो है वो हो चुके हैं और इस दौरान जो भारत की जानिब से वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की गई, जिस तरीके से निहत्ते कश्मीरियों का खून बहाया गया, बहुत सारे हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो शहदा के कब्रस्तान जो है वो भरे पड़े हैं कश्मीरियों के साथ, और जिस अंदाज से भारत ने कश्मीरियों के हकूक़ को दबाया है, मैं समझता हूँ कि इस जुल्म की बर्बरियत की मिसाल दुनिया के अंदर जो है कहीं और जो है वो नहीं मिलती। और इसके बावजूद अक़वामे मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं जिसमें ये वाज़े लिखा हुआ है कि कश्मीरियों की जो मुस्तकबिल है उसका फ़ैसला उनको हक़ खुद इरादियत के ज़रिए दिया जाएगा, उसको भारत जो है उन करारदादों को हमेशा उनसे नज़र चुराता रहा है, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करता रहा। और आज जो हमने ये तस्वीरी नुमाइश अभी देखी है और आपके सामने मौजूद है, ये उस चीज़ की अकासी कर रही है कि किस तरीके से जो है वो पायलट्स गन जो हैं वो यूज़ की गई। न बच्चों की तफरीक है, न ख़वातीन की तफरीक है, ना वहाँ बुज़ुर्गों की तफरीक है, और जितने वहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मैं समझता हूँ कि आज के दिन हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और यकीनन आज पूरी दुनिया के अंदर इस हवाले से जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, वो आज के दिन को योम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। और ख़ास तौर के ऊपर ये जो 5 अगस्त का मामला है जहाँ कश्मीर की जो मतनाज़ हैसियत को ख़त्म किया गया, उसमें जो मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना RSS की जो उनकी आइडियोलॉजी है वो गालिब आई है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हकीकी मानों के अंदर कश्मीर के दलेर वकील और सच्चे सफ़ीर होने का सबूत दिया। हर फोरम के ऊपर जो है इनकी जो जुल्म है, वहाँ पर जो 80 लाख कश्मीरियों को एक किस्म की जेल के अंदर डाला हुआ है, जिस तरीके से वहाँ हैवीली मिलिटराइज्ड है, ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर दुनिया को भी चाहिए कि अपनी आंखें भी खोले, अपने कान भी खोले, और इसके ऊपर जो है वो अपना किरदार अदा करें। और पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद की पुरअमन हमायत जो है वो जारी रखेगा, हर फोरम के ऊपर जारी रखेगा। और इस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो आवाज़ उठाई, उस पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में आपने देखा कि लोगों को पता चला कि अब जो वहाँ पर जुल्म की एक नई लहर आई है जो कि मोदी सरकार की सरपरस्ती के अंदर हो रही है, उसके पीछे जो है वो RSS की इंतहा पसंदाना जो है वो सोच गालिब आई हुई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज इस योम सयाह के मौका के ऊपर हम दुनिया को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ भी हैं। इक़वामे मुत्तहिदा की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी करारदादों के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाएं। पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया।